हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक बैंगर। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ फिश करी एंड राइस हियर इन थाने। एंड मैं आपको बता दूँ, फिश करी एंड राइस इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन पुणे। उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड दे आर पॉपुलर फॉर देयर वेराइटीज ऑफ फिश डिशेज। फ्रेंड्स, तो चलिए आज मुझे अकंपनी कर रहे हैं यास्मीन शेख, जो कि मेरी भांजी है। उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग डेफिनेट जाकर उनको भी सब्सक्राइब करिए। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इस रेस्टोरेंट्स को। खाने वाले यहाँ के बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ सी फूड्स, उसमें फ़िश थाली भी हो सकती है, फ़िश के स्टार्टर्स भी हो सकते हैं, प्रॉन्स हो सकता है, पॉम्फ्रेट, सुरमई, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए चलेंगे अंदर और एक्सप्लोर करने वाले हम इस रेस्टोरेंट्स को। तो चलिए लेट्स बिगिन, आइए प्लीज़ कम इन। फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ फ़िश करी एंड राइस के किचन सेक्शन में और मिलेंगे यहाँ के शेफ़। आप देख सकते हैं कि सर के चेहरे पे जो एक हल्की सी स्माइल आ रही है, आप देख सकते हैं वो स्माइल को। सर मला एक सांगा, आई विल स्पीक इन मराठी बिकॉज सर को थोड़ा सा मराठी, मतलब ही इज महाराष्ट्रन, सो ही वुड बी यू नो कम्फर्टेबल इन स्पीकिंग इन मराठी। सर मला सांगा, तुम्ही फिश करी एंड राइसमध्ये कधीपासून आहे सर तुम्ही? मी आज जवळजवळ फिश करी राईसमध्ये आज 13-14 वर्ष आहे। पहिली ब्रँच आम्ही पुण्यामध्ये नारायणपेठमध्ये ओपन केली होती। ओके, त्याच्यानंतर आम्ही नंतर लॉ कॉलेज, नंतर आपल्याला टिळक रोड, अच्छा, परत कर्वे रोड, विमान नगर, अशा तिकडे 5 ब्रँच आम्ही त्याच्यानंतर ओपन केल्या। अच्छा, आणि ही शेवटी मुंबईमध्ये परत एक पहिली ब्रँच आम्ही ओपन केलेली आहे। फिश करी एंड राईसमध्ये काय स्पेशल असते? फिश करी राईसमध्ये आमचं स्पेशल म्हणजे बोंबिलठेचा, सुरमई पेडावन, पापलेट पेडावन, प्रॉन्स ठेचा, भरलेला पापलेट, अशा ह्या गोष्टी आमच्या खूप म्हणजे एक हे आहेत, म्हणजे प्रख्यात आहेत। अच्छा, म्हणजे ही सारी स्पेशल डिशेस आपली पुरी? स्पेशल डिशेस आहे आपल्या आमच्या। सो फ्रेंड्स, मैं भी थोड़ा सा ना अभी सर के मतलब बोलते ना जबाने सुन के जो है ना आई एम लिटिल ओवर एक्साइटेड। चलिए अभी हम लोग भी चलेंगे बाहर और खा कर एंजॉय करते हैं यहाँ के वेराइटीज़ ऑफ डिशेज। मतलब मैं तो सी फूड का बहुत ही आशिक हूँ और जैसे कि सर ने बताया कि इतनी अच्छी वेराइटीज़ हैं, तो चलिए हम लोग भी लुत्फ़ उठाएंगे आज फिश करी एंड राइस के वेराइटी ऑफ डिशेज़ का और एंजॉय करते हैं। तो चले चलेंगे बाहर, आइए प्लीज़ कम इन। हमने सबसे पहले जो है यहाँ पर मंगाया हुआ है स्टार्टर्स में हमने मंगाया हुआ है सुरमई पलामुंजी, आप देख सकते हैं, एंड ये हैं बोम्बिल फ्राई। देखते हैं, सबसे पहले लेंगे फर्स्ट बाइट सुरमई पलामुंजी के और देखते हैं कैसा है। मैं आपको बता दूं, लेते हैं इसकी बाएं, ओहो जो मसालों का जो फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त। स्पाइसी नहीं बोलूँगा लेकिन जो कड़कपन चाहिए होता है ना ग्रेवी के अंदर, वो आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एंड मैं मतलब रहा नहीं जा रहा, मैं और एक बार लेना चाहूँगा। जायकेदार, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी चलिए लेंगे इनकी बोम्बिल फ्राई, देखते हैं वो कैसा है। एंड अगर आप देखेंगे तो बोम्बिल जो है ना जनरली बोलते हैं ना बहुत सॉफ्ट होता है, जब देखते हैं कि इनकी बोम्बिल कैसे बनी हुए हैं। लेके चम्मच से इसको ब्रेक करते हैं पहला। ओह, पहली बात तो मैं बता दूं आपको, इतना हॉट सर्व किया है कि एक्चुअली में मेरे मुंह में वो जल रहा था। एंड जिस तरीके से इसका क्रिस्पीनेस होना चाहिए वो क्रिस्पी लग रहा है फ्रेंड, जैसे वो नहीं मतलब बोलते हैं ना फ्रेश होता है तो वो सॉफ्ट होता है, वैसे बनने के बाद में क्रिस्पी। और बोम्बिल की क्वालिटी होती है कि अगर वो क्रिस्पी बना हुआ है तो खाने में बहुत मज़ा आता है, एंड एक्चुअल में वो इतना क्रिस्पी है, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं और एक बाइट लेना चाहूँगा। एंड बोम्बिल के अंदर भी जो है ना कुछ हरे कलर का मसाला डाला हुआ है इन्होंने, उसकी वजह से जो है ना इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जा रहा है। एक्सीलेंटली मेड, बहुत मज़ा आया। एंड
इसी के साथ में आप देख सकते हैं मेरे सामने अब आ चुका है पॉम्फ्रेट फिश फ्राई, कुछ अलग तरीके से बनता है ये। चलिए इसकी भी एक बाइट लेते हैं और देखते हैं कैसे लग रहा है। चपाती मैं साइड में रख देता हूँ एंड उसी के साथ में इन्होंने ये ग्रीन चटनी का कुछ कॉम्प्लेंट दिया हुआ है साथ में। ये हरी चटनी आई थिंक लहसुन है ये एंड दिस इज समथिंग एंड अनियंस। तो चलिए लेंगे इसको एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैं इसको अभी हाथ से तोड़कर खाना चाहूँगा। उठाएंगे, ओहो, आप अगर इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे ना तो ग्रीन चटनी से कुछ भरा हुआ है, अंदर स्टफिंग किया हुआ है। खाते हैं एक बार, फर्स्ट बाइट लेते हैं। एक्सीलेंटली मेड, ये दम पॉम्फ्रेट है जैसा नाम वैसा टेस्ट, बहुत ही मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ा सा जो है ना, मैं इसी चटनी के साथ में भी खाकर देखना चाहूँगा कैसे लग रहा है। थोड़ा लिया लहसुन एंड अब लेंगे ग्रीन चटनी। अगेन इसको तोड़ेंगे फर्स्ट बाइट। अब देखिए कितना ही जायकेदार लग रहा है ये। थोड़ा ग्रीन मसाला लेते हैं चटनी के साथ में, इसको डिप करेंगे अभी थोड़ा। चटनी जो इस पॉम्फ्रेट फ्राई को जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना फ्रेंड्स, क्या बताऊं, जबरदस्त, बहुत ही मजा आ रहा है। ओहो, क्या बात है, दिस इज पॉम्फ्रेट फिश फ्राई। ये करी कौन सा है इसमें, क्या है ये? बांगड़ा करी। बांगड़ा करी, और ये वाला? ये प्रॉन्स करी है, गोवन प्रॉन्स करी है। और ये है पॉम्फ्रेट फिश फ्राई, ये कोकम करी है ना, सोन कड़ी है, और इसके साथ में राइस भी आएगा, राइट? सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है ना स्टार्टर्स खा लिए, बहुत मज़ा आया। अब खाने का वक्त है पॉम्फ्रेट फिश थाली, ये रेड फिश करी एंड राइस। और आप देख सकते हैं ये कितने ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है इसको। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे अगर आप, तो इसमें इन्होंने दिया है पॉम्फ्रेट फिश फ्राई, ठीक है ना, ये इन्होंने दिया है प्रॉन्स करी, ये गोवन टाइप में बना हुआ ये करी। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा लग रहा है ये। एंड दिस इज़ एक मिनट उठाएंगे, दिस इज़ बांगड़ा करी, ये कार्बन टाइप में बना हुआ है। चपाती एंड राइस अभी आने वाला है एंड कुछ इन्होंने चटनी दिया है, ग्रीन चटनी है, आई थिंक दिस इज़ लहसुन चटनी एंड कुछ अचार जैसे दिया है कॉलीफ्लावर में, आप देख सकते हैं। तो चलिए लेंगे इसकी फर्स्ट बाइट और देखते हैं ये कैसे लग रहा है खाने में। चलिए शुरू करते हैं चपाती और पॉम्फ्रेट फिश फ्राई के साथ में फर्स्ट। इसकी एक बाइट ब्रेक करेंगे। ओहो, कितना ही अच्छा लग रहा है ये देखने में, आप देख सकते हैं। चटनी में इसको डिप इन करेंगे और खाएंगे। ओहो, ओहो, कि पहले हमने जो दम पॉम्फ्रेट फिश फ्राई खाया था स्टार्टर में, उसमें उन्होंने ग्रीन कुछ मसालों का स्टफिंग किया हुआ था, ये इसमें स्टफिंग नहीं है, ये डीप फ्राई किया हुआ पॉम्फ्रेट फ्राई है, लेकिन बहुत ही जायकेदार लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, क्रिस्पी भी है ये बहुत अच्छे तरीके से, और जो मसालों का जो फ्लेवर आ रहा है ना बॉस, क्या बोलूँ मैं, आहा। चलिए अभी ट्राई करते हैं इनकी करी, देखते हैं करी कैसे लग रहा है। लेंगे एक चपाती की बाइट, आई टेक दी प्रॉन्स करी फर्स्ट। करी तो उमदा है, प्रॉन्स लेते हैं जरा, देखते हैं। ओए ओए, अलग ही तरीके का फ्लेवर आ रहा है, मतलब गोवन टाइप करी बनाया हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, मतलब दिल खुश डिश, इतना मज़ा आ रहा है। चलिए अब इनकी बांगड़ा ट्राई करेंगे। पहले बांगड़ा देखिए, इन्होंने करी में भी बांगड़ा डाल के दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए लेंगे फर्स्ट बाइट इसकी और देखते हैं खाने में कैसे लग रहा है। सबसे पहले मैं फिश का एक पोर्शन तोड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। ओहो, आप देख सकते हैं, और लेंगे डिप करेंगे इसमें करी के अंदर इसको। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। अलग फ्लेवर एंड दिस इज टेस्टिंग सो गुड। मैं बताऊँ तो गोवा टाइप करी भी जो है एक अलग उसका टेस्ट आ रहा है एंड कार्बन टाइप करी भी उसका अलग टेस्ट है, मतलब अपने ही जगह पर जो है दोनों ही करी जो है ना
एक नंबर, बहुत मज़ा आ रहा खाने में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ट्राई करने वाले हैं इनकी फिश करी अलॉन्ग विद दी राइस। ओहो, मतलब मज़ा ही आ रहा है। चलिए सबसे पहले जो है हम इसकी फिश को तोड़ेंगे, आप देखते हैं, राइस के ऊपर रखते हैं ज़रा और खाकर देखते हैं कैसा है। मैंने बाइट जो है बहुत बड़ी ली है। ओए ओए, जो कॉम्बिनेशन आ रहा है ना, क्या बताऊँ मैं, और एक बार लेना चाहूँगा मैं। तोड़ते हैं, क्या बताऊँ मैं। जब पाती के साथ में जो फिश करी खाने का जो मज़ा था ना, तो राइस के साथ में उसमें जो ये सोनकड़ी का जो मज़ा आ रहा है डाल के खाने का, ओए ओए ओए, बहुत ही मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त टेस्ट तो दुगना हो गया है। सो फ्रेंड, चलिए अभी ट्राई करेंगे प्रॉन्स करी के साथ में राइस कैसे लग रहा है खाने में। मैं प्रॉन्स की भी एक बाइट लेता हूँ मैं ज़रा, और थोड़ा सा करी डालता हूँ इस पर, देखते हैं ज़रा कैसा लग रहा है ये। हाँ, देख सकते हैं, मज़ा ही आ गया। इन प्रॉन्स भी जो है इनका बहुत ही फ्रेश लग रहा है, मतलब राइस के साथ में प्रॉन्स करी हो गया, बांगड़ा की करी हो गई, एंड इनका फिश फ्राई पॉम्फ्रेट, इट्स एक नंबर, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। मैंने मुझे बताइए कि फ़िश करी एंड राइस में आपको आज यहाँ का खाना कैसा लगा? मुझे तो हमेशा ही फ़िश करी राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, इट्स माई फर्स्ट चॉइस ऑलवेज। और मैं थाने में रहती हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड दैट फिश करी राइस हैज ओपन्ड, या इट इज़ इन थाने। हाँ हाँ, हमें तो ये कोंकणी फूड बहुत पसंद है, हम लोग कोंकणी भी है तो, एंड द टेस्ट यहाँ का काफ़ी ऑथेंटिक है, इसलिए हमें बहुत पसंद आता। बहुत अच्छा लगा, क्रैब मसाला बहुत इन्जॉय किया, और जो स्टफ पापलेट था उसका जो स्टफिंग था वो एकदम घर जैसा लगा। खूप छान, प्रश्नच नाही। अच्छा, खूप आवडलं आणि कोकणातलंच आम्हाला हे आलं। अच्छा, आमने दोनोंने पॉम्फ्रेट थाली मंगाया था। अच्छा, पॉम्फ्रेट थाली। सर, टेस्ट कैसा लगा आपको यहाँ का? टेस्ट बढ़िया है, क्रैब मसाला और बोम्बिल फ्राई, बोम्बिल फ्राई मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके। और क्रैब भी बहुत अच्छा लगा। पॉम्फ्रेट फ्राई कैसे लगा सर आपको यहाँ का? पॉम्फ्रेट फ्राई जो उनका प्रिपरेशन था, क्वांटिटी वॉज वेरी गुड, एंड उनका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लगा मुझे आज। मला थोडा गोवाचा टच वाटला। अच्छा, गोवाचा टच वाटला। हां, गोवा फिश करी वगैरे मी रेग्युलर खा, सोल कढी। अच्छा, आणि मग आम्ही एन्जॉय केला। एन्जॉय केला? हां, यस यस। सर, मैम, आप जब फिश करी एंड राइस में आते हैं तो आप यहां पर क्या खाना पसंद करते हैं? इसका जवाब तो हर कोई जाता है, इट्स बोम्बिल ठेचा, इट इज ऑलवेज बोम्बिल ठेचा। जैसे आपने पॉम्फ्रेट फिश थाली मंगाई थी, फ्लेवर कैसे आ रहा था मसालों का? अच्छा था, जैसे हमारा स्ट्रॉन्ग, मतलब कोंकणी मसाले जो होते हैं घर में हम जैसे बनाते हैं वैसे ही टेस्ट मुझे लगा। सो आप दूसरे मराठी एक्टर जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स को रिकमेंड करना चाहेंगे इसको? मैं आपको एक बात फ्रैंकली बताती हूँ, ये ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है कि इसके बारे में मराठी इंडस्ट्री में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, ये हर किसी को मालूम है। लेकिन उनसे सुनकर हम लोग यहाँ पे आए, माई सीनियर्स, माई कॉलीग्स, एवरी वन नोज अबाउट दिस। तो सर, आप दोबारा आएंगे सर यहाँ पर? यस, डेफिनेटली दोबारा आऊँगा, तो मैं फ्रेंड्स को लेके आऊँगा यहाँ पे। जरूर जरूर आएंगे। हाँ हाँ, तुम्ही परत येणार आहे? नक्की नक्की, माझ्या फ्रेंडला पण सांगणार। श्योर श्योर। ओके, और फॅमिली अँड फ्रेंड्स को और रिकमेंड करना चाहेंगे मॅम ये रेस्टॉरंट? हां, जरूर करेंगे ना, डेफिनेटली। इनफॅक्ट वी आर व्हेरी हॅपी दॅट इट्स ओपन्ड हियर। ओ यस, श्योर। आणि मला सांगा, फॅमिली आणि फ्रेंड्सला रिकमेंड करणार आहे सर तुम्ही? करणार आहे, नक्की 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 करणार। मी हर किसी को रिक्वेस्ट करती हूं यहां पे जरूर आइए और यहां का स्वाद देखिए, आप खुद जाकर हर किसी को बताएंगे कि आपको फिश करी राइस को विजिट करना ही है, करना ही है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, वैसे तो मैंने आपके कुछ आपके स्टार्टर्स और थाली वगैरह खाए हैं, फिर भी मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि फ़िश करी एंड राइस की क्या स्पेशल वेराइटीज़ है। मान लीजिए अगर मेरे व्यूवर्स ये चैनल देख रहे हैं, अगर वो आपके यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या क्या खाना चाहिए सर आपके यहाँ पर? बेसिकली हम लोग की थाली स्पेशलिटी है। ओके, मतलब हम लोग की जो थाली है दैट कम्स लाइक अ गोवन करी भी आती है उसमें। क्या बात है? कारवारी करी, बेसिकली आई एम फ्रॉम गोवा एंड कारवार कॉकटेल। अच्छा, माय फादर इज फ्रॉम गोवा एंड माय मॉम इज फ्रॉम कारवार। ओके, सो आई एम अ कॉकटेल ऑफ बोथ।
एंड दे बोथ हैव अ सिमिलर क्यूजिन 19-20% ईयर एंड देयर. तो हम लोगों का थाली मैंने हम लोगों ने वैसा डिज़ाइन किया है. ये स्टडी किया था कि हम लोग के पास आई शुड बी रिच इन करीज. ये करी नहीं चलो छोड़ दो, ये करी अच्छा, ये नहीं चलो ये. तो आई हैव ऑलमोस्ट 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट करीज फॉर ऑल डिफरेंट फिश. सो नाइस. सो वो एक है. कभी कभी लोगों को रहता है कि चपाती नहीं पसंद है, राइस खाना है, मस्त गोवन फूड खाना है. सो वी हैव अ कॉम्बिनेशन कॉल्ड एज फिश करी राइस. ओके सो नाइस. अगर कोई गोवा से होकर है या प्रॉपर हार्डकोर सी फूड वाला है जो जिसे सुरमई और पॉम्फ्रेट से ज़्यादा अच्छा कांटे वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, तो वो उसको हम लोग ने ट्रेडिशनल गोवन थाली करके लिखा है, फिश करी राइस. ओके. ये हो गए थाली ऑप्शन जो हम लोग पटक से हम लोग आके खा के चले जा सकते हैं. अगर आला काट में जाएंगे तो वी हैव अ डिश कॉल्ड सुरमई पला मुंजी करके एक डिश है. मैंने भी ऐसा खाया वो. तो सुरमई पलामुंजी इज अ फ्यूजन ऑफ कारवार एंड गोवा अगेन. कारवारी गोवन कारवारी कोकोनट ग्रेवी का थोड़ा सा तड़का देके है. बाद में हम लोग के पास डिश है पॉम्फ्रेट पेड़ावन करके. जैसे हम लोग ग्रिल फिश बनाते हैं या स्टीम फिश बनाते हैं, मतलब उसका इंग्रेडिएंट बोलते हैं स्टीम फिश, ग्रिल फिश या रोस्टेड फिश, मतलब क्या रोस्ट किया हुआ फिश, वो जो बारबेक्यू, मतलब क्या बारबेक्यू में जो किया जाता है उसको बारबेक्यू चिकन या बारबेक्यू फिश बोलते हैं. तो व्हाट इज फिश पेड़ावन, पेड़ावन करके एक भांड वेसल है हम लोग के कर्नाटक में, उस हम उस पर इडली बनाते हैं. तो वो भांडे को हम लोग पेड़ा, वो वेसल को हम लोग पेड़ावन बोलते हैं. तो हम लोग ने डिश का नाम रखा है पॉम्फ्रेट पेड़ावन, सुरमई पेड़ावन, बांगड़ा पेड़ावन. तो वो हम लोग ने हेल्दी कैटरी करके रखा है, जिनको आया आके खाली डाइट जैसा खाना है, रोज एक छोटा खाया चले गए, वो एक है. उसके बाद हम लोग के पास एक डिश है बोमिल ठेचा फ्राई करके. अच्छा ओके. अभी ठेचा इज इक्वल टू तीखानेस एक रहता है, लेकिन हम लोग का तीखा नहीं है. अच्छा. इट्स माइल्ड ऑन टेस्ट, मिड स्पाइसी. या मिड स्पाइसी. एंड बोमिल इज, किसे बोमिल पसंद नहीं है बोमिल, बहुत मजा है. मैंने भी सर बोमिल फ्राई खाया आपका. ओवर द इयर्स लोगों को क्रिस्पी बोमिल खाने की आदत लग गई है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक द ट्रेंड बाय मेकिंग नॉन क्रिस्पी बट टेस्टी. ओके. और सर मुझे एक बात बताइए, मैं ये भी देख रहा था कि फिश करी एंड राइस में मराठी फिल्म्स के बहुत सारे प्रोड्यूसर और एक्टर्स भी दिखते हैं, खास करके आपके पुणे और यहाँ वाले ब्रांच में. मुझे कुछ बताना चाहेंगे सर कि आपकी मराठी फिल्म इंडस्ट्री से कैसा लगाव है या कुछ आपका कनेक्शन है सर वहाँ पर? बेसिकली मेरे पिताजी का प्रोडक्शन हाउस है. अरे क्या बात है. सुयोग प्रोडक्शन करके. अच्छा, है. ओके. उन्होंने 1985 में चालू किया. मोरूची मावशी करके उनका पहला प्ले है. अच्छा. एका लग्नाची गोष्ट करके एक प्ले है. पुनः सही रे सही करके एक प्ले है. ओके. तो वो 2013 में गुजर गए. अच्छा. उनके बाद मैं मैंने लिया वो प्रोडक्शन संभालना. उसके बाद अनन्या करके हम लोग ने भी रिसेंटली एक मास्टरपीस प्रोड्यूस किया. okay. जिसका अभी 300 शो तुरंत बॉम्बे में होने वाला है. क्या बात है. लेकिन कैसा है कि पिताजी की वजह से मेरा थोड़ा सा लोगों से पहचान ज़्यादा है. अच्छा. मेरे उन लोगों को मालूम है. हम लोग जब भी ड्रामास करते थे हम लोग का जो कैंट फूड जाता था कस्टमर एक्टर्स के लिए, okay. तो वो बहुत अच्छा जाता था. okay. तो उनको मालूम है कि पिताजी जो देंगे वो बहुत क्वालिटी देंगे, उनके बाद मैं करूँगा वो भी क्वालिटी दूंगा. इसके वजह से अगर कोई भी हो तो वो दे ट्राई टू प्लान देर कि अगर यहाँ पे ड्रामा है तो इसके बाद ये करना चाहिए, तो okay. लोग इंटरवल में कम खाएंगे. सो पुना हो या यही कहीं हो, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज ट्राई टू कम एंड विजिट हियर. थैंक यू वेरी मच संदीप सर फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द ब्यूटीफुल वीडियो चैनल. या सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ फिश करी एंड राइस, यू नो अगर आप सी फूड लवर्स हैं तो यू शुड डेफिनेटली विजिट यर इन थाने, और ये पड़ता है मानपाड़ा में. तो चलिए इसी तरीके से और एक नई ब्लॉग के साथ मैं बहुत ही जल्दी मैं आपको मिलता हूँ. टिल दैट टाइम अगर आपको वक्त मिले तो खाने का पीने का घूमने का फिरने का और मस्त रहने का, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करने का फ्रेंड. तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में. बाय बाय.